कहते हैं उस देश की सरहद को कौन छू सकता है जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। किसी भी देश की सरहद जितनी ज़्यादा महफूज होगी उस देश के नागरिक भी उतने ज़्यादा महफूज और सुरक्षित होंगे। भारत की सेना, खुफिया एजेंसियां और सरकार लगातार भारत की सरहद को दुनिया की सबसे ज़्यादा सुरक्षित सरहद बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब सीमा की निगरानी के लिए आ रहा है ये रोबोट जो भारत की सरहद की बखूबी निगरानी करेगा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको इस खबर के बारे में और भी डिटेल में। उससे पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भारतीय वैज्ञानिक एक ऐसे रोबोट पर काम कर रहे हैं जो हर तरह के इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी में इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह के रोबोट का एक प्रोटोटाइप दिसंबर तक तैयार हो सकता है। डिफेंस क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस तरह के रोबोट के विकास पर काम कर रही है। कंपनी को इसके विकास के बाद सेना से अच्छे ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक सीमा पर गश्ती के लिए ऐसे रोबोट तैनात करने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे सीमा पर हमारे जांबाज सैनिकों की शहादत या उनके घायल होने की घटनाएं कम होंगी। बेल के इस रोबोट में ऐसे सेंसर और प्रोग्राम होंगे जो कंट्रोल सेंटर को तत्काल कोई जानकारी भेज सकेंगे। यह रोबोट श्रीलंका में हाल ही में हुई आतंकवादी घटनाओं जैसी हालात को रोकने के लिए भी कारगर हो सकता है। छोटे ऑर्डर के लिए इन रोबोट की अनुमानित लागत 70 से 80 लाख रुपए की होगी, लेकिन ज़्यादा संख्या में ऑर्डर मिलने पर इस रोबोट की लागत और कम हो जाएगी। फिलहाल बेल की बेंगलुरु और गाजियाबाद स्थित सेंट्रल रिसर्च लाइब्रेरी और बेंगलुरु के बेल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सेंटर के 80 वैज्ञानिक और इंजीनियर निगरानी रोबोट तैयार करने में लगे हुए हैं। इस टीम ने एक बेसिक रोबोट तैयार भी कर लिया है, लेकिन निगरानी के लिए जिस रोबोट का विकास किया जा रहा है वह अगली पीढ़ी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। ऐसे रोबोट के विकास के लिए काफ़ी रॉ डाटा की ज़रूरत होती है, लेकिन डेटा मिलने के बाद उनका इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है कि रोबोट हर तरह का काम कर सके। खबर के अनुसार बेल की योजना दिसंबर के पहले हफ्ते में तैयार हो जाने वाले पहले प्रोटोटाइप रोबोट की आंतरिक समीक्षा करने की है। इसके लिए यूजर ट्रायल फरवरी 2020 तक शुरू हो सकता है। बेल इस साल के अंत तक कई और AI क्षमता वाले उत्पाद तैयार करेगा। बता दें कि करीब 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर भारत को पाकिस्तान से अलग करता है। इसमें से ज़्यादातर एरिया को भारत ने फेंसिंग लगाकर महफूज कर रखा है, मगर 146 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया अभी भी ऐसा है जहां तारबंदी कर पाना मुमकिन नहीं है, और यही वो जगह है जहां से घुसकर आतंकी भारत में अपने नापाक मंसूबों को मंजाम देते हैं। आपकी जानकारी को बता दें कि हाल में ही सरहद की निगरानी के लिए स्मार्ट फेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। इसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यानी CIBMS। इस सिस्टम में एक अदृश्य लेजर बॉल रहेगी जो सरहद की निगरानी करेगी। इस दौरान एक साथ कई सिस्टम काम कर रहे होंगे जो हवा, जमीन और पानी में देश की सीमा की रक्षा करेंगे। अब दिलचस्प यह होगा कि भारत की सुरक्षा में यह रोबोट कब तक तैनात होंगे।